तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, माय नेम इज शिवानी। तो आप लोग सबसे पहले ये वाला वीडियो देखो। जब रोमन ने पॉल हेमन से बैकस्टेज मिले थे ना, तो रोमन ने इसका गेस्चर कितना कूल था पॉल हेमन को लेकर, और पॉल हेमन एक्नॉलेज करते हुए भी दिखाई दिए हमारे पांडा को। तो रोमन ने पॉल हेमन सीएम पंक को लेकर बहुत सारी न्यूज है, क्या कुछ है चलो मैं आपको एक एक करके बता दे रही हूं। उससे पहले मेरा एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मुझे काफी मोटिवेशन फील होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते अपने पांडा यानी कि रोमन ने इसके बारे में। रोमन ने इसका तो अभी अलग ही सीन चल रहा है। WWE में दो फ्यूड को काफी ज्यादा हाईलाइट किया था, एक तो कॉडी रोड्स और रोमन ने इसका जो रेवलरी हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया 40 में। उसके अलावा अभी करंट टाइम में रोमन ने इसका शोलो शिकवा का जो भी रेवलरी दिखाया जा रहा है उसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रही है। पता है गाइस, जब से शोलो शिकवा रोमन ने सेपरेट हुए ना, तब से WWE का काफी हाई पिक पे चल गया TRP। सभी कोई बोलते है ना मुझे सोशल मीडिया हर जगह पे की कॉडी रोड्स काफी बेटर है रोमन ने से। वैसे गाइस मुझे रोमन ने से काफी ज्यादा बेटर लगते हैं, आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल जब से सीएम पंक ज्वाइन हो गया एज अ फिफ्थ मेंबर, तब से उनको काफी ज्यादा ही सब कोई प्रेस कर रहे हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स में बताया गया कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा कमाएगा तो वो रोमन रिंग्स और सीएम पंक होने वाले हैं। क्योंकि गाइस आप ही देख लो ना, रोमन रिंग्स तो ऑलरेडी इतने ज्यादा फेमस और सीएम पंक भी बहुत ज्यादा फेमस, लाइक ये लोग पुराने टाइम से एक साथ ही दिखते थे। आगे बात करते हैं हमारे डोरेमोन यानी कि पॉल हेमन के बारे में। पता है पॉल हेमन अपने एक सीक्रेट रिवील किए जिसमें पॉल हेमन ये बोलते थे कि एक टाइम था जब मैं बोलता था कि रोमन रिंग्स और सीएम पंक अलग अलग रहो, और आप लोग करंट टाइम में ही देख लो, करंट टाइम में दोनों का बॉन्ड को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। पता है सेथ रॉलिंस या द रॉक ज्वाइन करते तो कितना मजा आता ना, मुझे सीएम पंक ज्वाइन किए ओके ओके टाइप्स लगा। आगे बात करते WWE एक और फिल्म बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली यानी कि रेसलमेनिया 41 में हो सकता है कि इनका हमें एक मैच ही देखने को मिल जाए जहां पे सैमी जेन वर्सेस केविन ओवेंस का फिल्म देखने को मिलेगा सिंगल वाला। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सीएम पंक के ही बारे में। WWE बहुत जल्द रिलीज करने वाली है बिहाइंड द सीन फुटेज सीएम पंक का। सीएम पंक जब पॉल हेमन के साथ रिटर्न किए ना, तो एक्चुअली क्या कुछ हुआ और कैसे रिटर्न किए सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइस मुझे जैसे ही सीएम पंक का वीडियो क्लिप या कोई फोटोज वगैरह मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। आगे बात करते हैं टॉम एंड जेरी यानी कि जिमी उशो के बारे में। जिमी उशो ने अभी तक पूरे साल में एक भी मैच नहीं जीता है। शायद आपको भी याद होगा कि 2023 के टाइम में हमें देखने को मिला था कि लास्ट टाइम वो एक मैच में जीते थे। यार गाइस देखो ना, इस बार तो सर्वाइवर सीरीज में जीतना ही चाहिए जिमी उशो को, वरना जिमी उशो का तो होप ही टूट जाएगा। और मैं पर्सनली चाहती हूँ कि इस बार सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में रोमन रिंग्स का ही ब्लड लाइन जीतना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों के फेवरेट यानी कि जॉन सीना के बारे में। तो रॉयल नंबर 2025 काफी ज्यादा इनसेन होने वाला है, और अभी से ही लगभग 45,000 से भी ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं फर्स्ट वीक में। और गाइस मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि इस बार का जो रॉयल नंबर होने वाला है वो ग्रेटेस्ट रॉयल नंबर होने वाला है। इससे पहले आप लोगों ने जितना भी रॉयल रंबल का मैच देखा होगा वो सब ओके ओके टाइप्स होगा, बट ये वाला काफी ज्यादा मेमोरेबल होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे सुपरस्टार है। आप देखो ना, जॉन सीना आएंगे, द रॉक आएंगे, रोमन रिंग्स आएंगे, मतलब WWE ने अच्छे तरीके से प्लानिंग किया है इस बार का रॉयल रंबल मैच को लेके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो गाइस आपको पता है ब्रॉक लेसनर WWE में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। पूरे WWE में ब्रॉक लेसनर इकलौते ऐसे बंदे हैं जिनका प्रोमो बोलो, सेगमेंट बोलो, ये सब कुछ यूट्यूब में 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। इसका जितना कुछ भी देखने को मिला है ना स्टार्टिंग से, सब में 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रॉक लेसनर किस लेवल के बंदे हैं। अगर मैं आपको ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में बोलूं तो हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल दैट कि 2025 में आपको रेसलमेनिया 41 के करीब ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिल सकता है। आगे बात करते आप लोग देख लो, ये 4 सुपरस्टार करंट टाइम में WWE के चैंपियन है, जिसमें से मुझे एक तो एकदम फालतू ही लगता है, वो है कॉडी रोड्स। क्लीम मॉर्गन सही है, नाया जैक सही है, गुंथर भी सही है। आगे बात करते टॉम एंड जेरी के एक और मेंबर यानी कि जय उशो के बारे में। जय उशो अपना जब भी इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो वो अपने इंटरव्यू में एक ही बात बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल मेरा एक ही टारगेट है कि मैं वर्ल्ड टाइटल जीत लूं। और पता है मुझे भी पर्सनली लगता है कि जय उशो के अंदर एक डेस्पिरेशन है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 2025 के बारे में। आप देखो ना, 2025 में हमें कितने सारे फ्यूंड देखने को मिलेंगे, मैं आपको एक एक करके बता दे रही हूँ। रोमन द रॉक का फ्यूंड होगा, फिर कॉडी और रैंडी ऑर्टन का फ्यूंड होगा, और इधर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का फ्यूंड देखने को मिलेगा। देन लास्ट टाइम यानी कि रेसलमेनिया 42 फाइनली हमें रोमन रिंग्स वर्सेस सीएम पंक का भी मैच देखने को मिलने वाला है, जिसका मेन लीडर पॉल हेमन होंगे। आगे बात करते हैं सीएम पंक के ही बारे में। तो गाइस सीएम पंक का जितना भी तारीफ करो उतना ही कम है। WWE में थोड़े दिन पहले ही सीएम पंक इतने सारे मैच में फाइट कर चुके हैं, तो उनका क्या
ही रोल बनता था कि वो वॉर गेम में फिर से फाइट करे। इसीलिए सीएम पंक को बेस्ट इन द वर्ल्ड थोड़ी ना कहा जाता है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि सीएम पंक काफी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। अगर सीएम पंक नहीं आते ना तो रोमन नीस को ये पांचवा मेंबर भी कभी नहीं मिल पाता, सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक की वजह से। रोमन नीस का ब्लड लाइन अभी थोड़ा बहुत भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, वरना रोमन नीस का ब्लड लाइन तो वीक ही रहता। वैसे गई सभी सोशल मीडिया वेबसाइट से तो यही पता चल रहा है कि शोलो शिकवा पिन करने वाला है रोमन नीस को एक बार फिर से। पता नहीं मुझे WWE का भी फंडा ही समझ में नहीं आता है, हर टाइम रोमन नीस को वीक ही दिखाया जा रहा है। आगे बात करते जैको फाटू के बारे में। जैको फाटू 2025 पे चैंपियन बनने वाला है और मैं आपको बोल रही हूँ आप कंफर्म मानो इस बात को। नेक्स्ट आगे बात करते सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक ने रिसेंटली अपने इंस्टा में एक स्टोरीज लगाया था जहाँ पे उन्होंने पॉल हेमन को मेंशन किया था। यार फिलहाल इनकी ये बॉन्डिंग काफी सही जा रही है, दोनों ही काफी ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट आगे बात करते स्टेफनी मैकमैन से। जब से ये WWE में थी ना तब से ही काफी ज्यादा फिगर मेंटेन किया करती थी स्टेफनी मैकमैन, और अभी देख लो अभी वो WWE में नहीं है फिर भी कितना अच्छा फिगर है इनका। नेक्स्ट आगे बात करते जिला फाटू के बारे में। तो गाइस आप लोग को लग रहा था ना कि सर्वाइवर सीरीज में जिला फाटू का रिटर्न होगा, बट मुझे लगता है चांसेस काफी ज्यादा कम है क्योंकि इनको लेके कोई बात ही नहीं कर रहा है अभी। आगे बात करते सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक देखो ना कौन सा पुराना फोटो लगाया है सबका, रोमन नहीं शेयुशो चीमीशो सैमी जेन, तभी ये लोग कितने ज्यादा यंग और बच्चे लग रहे हैं ना देख कर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और हाँ थोड़ा बहुत नॉइज एडजस्ट कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।